आपका 10 साल का ग्रोथ खाली 8.5% का, बराबर। बहुत बुरे हाल थे 2017 के बाद, आपकी ऑटो की कंपनियां अफेक्टेड थी। ऑटो सारे, अगर आप ऑटो इंडेक्स की बात करो, 9 लाख करोड़ का टर्नओवर, राइट, सबका मिलके सबसे बड़ा मार्केट कैप मारुति को मिलता है, पर सबसे बड़ा धंधा टाटा मोटर करती है। इतना डाइवर्जेंस क्यों है? क्योंकि मारुति डेब्ट फ्री कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, टाटा मोटर पे डेब्ट है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, तो मार्केट कैप कम मिल रहा है। 2017 से जो वॉल्यूम गिरे, उनकी इफेक्ट सेल्स पे आई और धंधे हमने निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते हुए देखे, राइट और रॉन्ग, बराबर। अब लास्ट ईयर कोविड के बाद ग्रोथ इनका 17% था, अच्छा था। आपने निफ्टी का ग्रोथ कम देखा, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों 27% पिछले साल, ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैं आपको डेटा बताऊं ऑटो के, तो ऑटो वापस से लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम पे जा रहा है, राइट, लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स पे आ रहा है, बराबर है। 27% का करंट ईयर ग्रोथ, एस्टिमेट में 15% रख रहा हूं, बराबर है कि बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है, कंजर्वेटिव है ना, इससे तो ज्यादा ही उम्मीद करेंगे दोस्तों, 15 एकदम मिनिमम मैंने लिया है, राइट, देखते हैं अगला क्वार्टर। सो दैट माय एस्टिमेट। आप मार्जिन देखो दोस्तों, 60% के इनके 2012 में जब इनके अच्छे समय थे तब हुआ करता था, 1.2% इनके मार्जिन कोविड में आए, क्योंकि वैसे भी कोविड तो एक बहाना था, ये 2017 से सब अफेक्टेड थी कंपनियां, कोविड ने नहीं गिराया ऑटो को, 2017 से गिरी हुई है ऑटो, राइट। मार्जिन कोविड के बाद 2.5 हुए, और इस साल मार्जिन इनके सुधरे है कि बिगड़े है दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निफ्टी के मार्जिन इस साल 1.5% डाउन है पिछले साल से। ऑटो की कंपनियों को इन्फ्लेशन नहीं लड़ा, क्या कहते हो आप लोग? योर ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनीज मार्जिन हैव इंप्रूव्ड, हम 5% ग्रोथ की उम्मीद करेंगे, राइट, यानी धंधे सुधर रहे हैं, मार्जिन सुधर रहे हैं, जो निफ्टी में भी नहीं है वो ऑटो में है सेल्स के केस में, राइट। प्रॉफिट, ये सारी कंपनी मिलके प्रॉफिट अभी 40,000 करोड़ का करती है, बिल्कुल प्रॉफिट 11 साल से बढ़े नहीं, 4% ग्रोथ, राइट, मतलब अगर हमने ऑटो लिया होता तो 2017 के बाद अंडर परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ता, ऑलराइट, अच्छे रिटर्न नहीं थे, पिछले साल 150% से आपके प्रॉफिट बढ़े, या माइंड इट अगेन मैं कह रहा हूं 146% से इस साल बिल्कुल कुल ऑफ नहीं होके 147% हुआ, एस्टिमेटेड ग्रोथ एकदम बढ़िया। ये जो पी है 30, देखो 27% का ग्रोथ, क्वार्टर फोर में 15% का ग्रोथ, मैं अगर यहां पे 20% उम्मीद करूंगा ना, राइट, तो भी ये प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो जाएगा, 26%। आपको पी यहां पे ज्यादा मिल रहा है 31, कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग, मैं वापस से यहां पे 15 कर देता हूं, कंजर्वेटिव, राइट, स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ टू इंप्रूविंग मार्जिन, तो आपको पी इसका सस्ता मिलेगा, राइट। योर ऑटो, ऑटो की डिटेल अगर हम यहां पे कंपनी वाइज देखेंगे, मार्केट कैप हमने देख लिया, टॉप किसका है, मारुति, टाटा मोटर, M&M सब कवर होती है। मारुति आपकी पैसेंजर व्हीकल की, टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल में राजा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर में राजा, बजाज ऑटो थ्री व्हीलर में राजा, TVS, आईसर, हीरो टू व्हीलर की कंपनियां, स्पेयर पार्ट सब कवर हो गया, राइट, ऑटो का कंपनी होना चाहिए अपने पास। मारुति 33% से धंधा बढ़ा, 112% से प्रॉफिट बढ़ा, और पी 35, बराबर है पी इसका, ओ माय गॉड 35 का पी तो बहुत महंगा होता है, कोई महंगा नहीं, जब आपका प्रॉफिट और सेल्स सपोर्ट कर रहे हैं पी आपका बढ़ता रहेगा, राइट, तो पी रिफ्लेक्शन है सेल्स और प्रॉफिट के, फूड कंपनियों में जो डेप्ट फ्री होती है, राइट, डेप्ट हो, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हो तो पी मिलने में डर लगता है, बराबर। तो हमने दोस्तों मारुति में अपना जो इनिशियली आपको पता ही ऑटो में मंदी होने के कारण हम लोग अभी तक कम स्टेक रखते थे, हमारा मारुति में स्टेक 1% से कम था दोस्तों, हमने ये साल बढ़ा के 2.8% ऑलरेडी कर दिया। आपको याद ही होगा जब हमने H1 के नतीजे डिस्कस किए थे 9 मंथ के, तब से हम कंपनी में कह रहे हैं यू शुड इंक्रीज योर वेटेज, राइट, और अभी मेरे को लगता है लाइफ टाइम हाई के करीब ऑलरेडी मारुति आ चुकी है।
सो दिस इज मारुति सुजुकी या ऑल टाइम हाई के करीब आप पहुंच चुके हो राइट और उम्मीद हमारी क्या है मारुति में 16,000 से पहले इसमें एक रुपया भी प्रॉफिट बुकिंग हम नहीं करने वाले बराबर दिस इज योर टारगेट कैसे आया आपको पता ही है दोस्तों एक्सटेंशन टारगेट्स यहां पे बुलिश एंगल्फिंग बनी थी मारुति की 12 मंथ्स यू कैन चेक राइट जो आपके काफी पहले आ जाने चाहिए थे टारगेट दिस वाज बुलिश एंगल्फिंग पर रैली में बुलिश एंगल्फिंग थी करेक्शन आया राइट और अब जब डेटा सुधर रहे मारुति के धंधे लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई भाव क्यों ना लाइफ टाइम हाई आए राइट यस वी आर एक्सपेक्टिंग दिस पर जो डर अभी बरसात है ना क्योंकि मारुति जो है वो रूरल इकोनॉमी की एक प्रोडक्ट है रूरल इकोनॉमी की बरसात बड़ा गेम करती है राइट नो नीड टू वरी 2.8 मेरे ख्याल से बराबर वेटेज यहाँ पे है डिस्क्लोजर दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर